गुड्डू तुम जरा इधर आना, तुम जरा। अरे क्या हो गया? तुम अंदर बॉस से क्या बातें कर रहे थे? ओबे सुन ली क्या? सुनी तो नहीं, वैसी पूछ रहा हूँ। शुक्र। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आपका प्रमोशन डी हो गया भाई, मैं थोड़ा सा मक्खन लगा रहा था। गुड्डू मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, खबरदार उनसे कोई फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे यार बहादुर भाई एक बात बताए, मैं उनसे क्यों फ्री होऊंगा? अच्छा सुनो, ये तुम अंदर झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम फ्रीलांसर हो? देखे बहादुर भाई मैं आपका काम करता हूँ ना। हाँ। कभी कभी मैं छोटकी का काम भी करता हूँ। हाँ। कभी कभी मैं आंटी का काम भी करता हूँ। अरे बल्कि मैं तो कभी कभी भाग के इस घर के काम भी कर लेता हूँ, बल्कि मैं तो पड़ोसियों का काम भी करता हूँ, तो टेक्निकली हुआ ना मैं फ्रीलांसर। अच्छा अच्छा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, जो समझाया ना वो समझ लो। हाँ ठीक है। बहादुर मेरी बात सुने, मैंने खाना तैयार कर दिया, जल्दी से जाके रोटियां ले आओ ताकि मैं खाना लगा दूं। जाओ गुड्डू रोटियां ले आओ। अरे वो क्यों जाएंगे, आप जाएं। अरे शाजिया मेरी मेहमान आई है ना अंदर, बॉस आई है, मुझे उनके पास बैठना होगा। मैं देख रही हूँ ये बैठने की जो बेचैनी है, मेरे साथ बैठने के लिए तो कभी इतने बेचैन नहीं हुए। देखो जरा, अरे तुम आग मत लगाओ। आग नहीं लगा रही हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है, समझ में आई? और रोटियां लाने में कितनी देर लगती है? अच्छा यार ला रहा हूँ रोटियां, तुम लोग जाके बैठो बॉस के पास। और तुम देख रहा हूँ वहां, मैं तुम्हें देखे सामने गिर मत जाएगा, देख रहा हूँ। आए बॉस से बात करें।